उसमें पांच राइड आती है, एक स्पीड बोट है, फिर पैरासेलिंग है, बनाना राइड है, फिर एक गोल आपको बिठा के लेके जाते हैं वो राइड है, और अंजुना से आई थिंक 10 गुना ज़्यादा भीड़ है। हाँ, काफ़ी क्राउडेड एरिया है, मतलब पॉपुलर है ना एक्चुअली। बहुत ही पॉपुलर है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फाइनली 2 साल के बाद मैं और अंजलि वापस आ गए एयरपोर्ट, और हमारी नेक्स्ट जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है। बाय द वे, मैं 2 दिन पहले एयरपोर्ट आया था, अंजलि 2 महीने के बाद, दो महीने बाद नहीं आ रही। और हम लोग अभी है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जा रहे हैं गोवा। डेस्टिनेशन रिवील कर दी थी जल्दी, तो हम तो डालेंगे ना इस पर डेस्टिनेशन कौन सी है। गोवा जा रहे हैं 2 साल के बाद फ्लाइट पे अंजलि, और मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं 2 साल बाद फ्लाइट कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे ऐसे वो पेट में गुल गुल होता है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी हमारा 2 बजे है, हमारी 3:45 की फ्लाइट है, और हमने लगा कि सिक्योरिटी चेक में उसका टाइम लगेगा, तो हम जल्दी आ गए थोड़ा। अरे बहुत पूरा एयरपोर्ट खाली था, पूरा एयरपोर्ट खाली है, कुछ नहीं यहाँ पे। तो अभी वेट करें, बैठे और आपको मिलते हैं। बैठे हैं, बॉटल भी लेके नहीं है पानी की, हमें लगा था लेके नहीं आ सकते, बट हमें पता लगा लेके आ सकते हैं। अभी पैसे फूकने से अच्छा है मुंह मार लो पानी में सीधा जाके। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं। पहले बता कि वो पानी स्टार्ट कैसे करते हैं बाथरूम वाला, मुझे पता ही नहीं चला लास्ट टाइम। गरीब लोग, तो एक काम कर यहाँ से नीचे। मैंने पूरा ऐसे ऐसे घुमा के भी देख लिया उसको, मुझे नहीं, मैंने ऐसे भी रखा कि कुछ सेंसर लगे, आ ही नहीं रहा पानी। पीने वाला नहीं, वो हाथ धोने वाला। अच्छा, तो बंद ही होगा फिर। हाँ, मुझे लग रहा है बंद था बिकॉज वो नहीं चल रहा था, मैंने ऐसे वो साइड में ना तो ऐसे इधर घुमा तो वो बंद था सर। देख रहे हो क्या हालत है 2 साल के बाद फ्लाइट का। फ्लाइट में कभी नहीं बैठे, वॉशरूम का दरवाजा ऐसा है कि अंजलि अंदर घुस भी नहीं सकती। मैं अंदर नहीं घुस सकती, आई थिंक वॉशरूम का दरवाजा ऐसा नहीं है कि डांस करके निकलना पड़ेगा। इससे छोटी फ्लाइट हमें कभी नहीं मिली, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है हम चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, प्राइवेट जा रहे हैं। और प्लीज कीप योर मास्क ऑन। फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारा रिजॉर्ट बॉब बीच रिजॉर्ट, जो कि अंजुना बीच है उससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो 3 किलोमीटर, और बहुत ही अंदर की तरफ है, तो पहुँचने में बहुत ही हमें टाइम लगा। और ऑटो वाले जो अंकल थे ना, वो बहुत धीरे चला लेते, मेरा मन करता है मैं साइकिल लूँ और थोड़ा चला लेने लग जाऊँ साइकिल साइड में। पर हम लोग कलंगट में आराम से 1 घंटे में पहुँच गए थे, तो बस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, 200 रुपीज़ आपको 1 घंटे में पहुँचा देंगे, और वहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें 300 रुपये और लगे ऑटो में, क्योंकि कोई कैब वाला आ नहीं रहा था। फाइनली एक ऑटो वाले ने हाँ बोला, 250 बोला ही था ना, हमने पढ़ा था जैसे कि 250 तो आराम लेते ही है ना। हाँ, मतलब हमने ऐसा पढ़ा था कि वहाँ से यहाँ आने के आपके 250 तो अराउंड आराम से लेते ही है, पर कोई टैक्सी वाला आ नहीं रहा था, तो फाइनली एक बेचारे ऑटो वाले अंकल मिल गए, वो यहाँ पर हमें 300 रुपये में लेके आए। लोग गोवा में आते तो गोवा वाले कपड़े पहनते, अंजलि देखो राजस्थान की टी शर्ट गोवा में पहन के घूम रही है, ऐसा क्या क्या लॉजिक है इसका। पधारो हमारे देश,
पधारो हमारे देश, हमारे गोवा, हमारे गोवा। 2 hours later तो वेलकम बैक गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:10 और हम दोनों रेडी है गोवा एक्सप्लोर करने के लिए, और अंजलि ने बाइक भी ले ली है चलाने के लिए। अंजलि रेडी है? हाँ रेडी हूँ। गोवा के सड़कों पे धूम मचाने के लिए बाइक? यस, ये बाइक साथ देनी चाहिए बस। सर अभी हम लोग जा रहे हैं अंजुना बीच, पहले थोड़ा सा खाना खा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे रिजॉर्ट में हम लोग रुके हैं वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है नहीं, लग नहीं रही है, तो बाहर चलते हैं खाना खाते हैं और फिर अंजुना बीच, बाघा बीच, दो प्लान है, फिर देखते आगे क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंजलि चला रही है बाइक, लेट्स सी। हम लोग पहुंच गए अंजुना बीच, यहाँ पे मैंने पहुँचा, हाँ अंजलि ने ड्राइव किया, काफ़ी अच्छी और सेफ लगी मुझे, अभी ऐसा बोलना पड़ा क्या मेरा नहीं अच्छी और सेफ ड्राइव थी। अगर तो आपको रास्ते में ना मिले दूसरे लोगों तो मुझे बोलना, मैं फिर रास्ते में छोड़ाऊंगी कहीं पर। तो हमने यहाँ पे बाइक पार्क की है, हर जगह बीच पे आपको बाइक पार्किंग मिल जाएगी। अभी हमने 50 rupees दिए और देखते हैं अंदर भूख लगी रेस्टोरेंट में क्या अच्छा खाना है, नॉन वेज चाहिए वेज? शट अप। कैसा लगा मॉरीशस के बाद बीच देख के पहली बार? बहुत मस्त है बट बहुत धूप है, आँखें नहीं खुली देखो मेरी। इधर से भी तेरी छोटी छोटी आँखें। हाँ और हम यहाँ पे अभी उतरे तो हमारे सामने पैरासेलिंग और वो सब कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी, तो अब यहाँ पे कर सकते हैं। अभी एक भाई हमें मिले थे, वो बोल रहे थे कि पैकेजेस वो बताएंगे, तो थोड़ा घूम लेते एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या पैकेजेस हैं, कितने टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पे होती है, क्या कितना लुटना है हमको, कितना हमको लुटवाना है, सारा थोड़ी देर में जाके अंदर पूछते हैं, थोड़ा बीच एंजॉय कर लो। तो अभी हमने वो एक्टिविटीज़ का पूछा है, 1500 rupees का पैकेज है फॉर कपल, उसमें 5 rides आती है, एक स्पीड बोट है, फिर पैरा सेलिंग है, बनाना राइड है, फिर एक गोल आपको बिठा के लेके जाते हैं वो राइड है, और कौन सा था, जेट्स की। तो ये 5 rides आपको मिलेगी, 1500 पर पर्सन है, कपल का प्राइस सस्ता लगा मुझे, सस्ता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था ये सब एक्टिविटीज 2500 की तो एक ही आ रही है। हाँ इसीलिए हमारा अंजुना बीच डन हो गया, वहाँ पे हमने अभी लंच में पिज्ज़ा खाया, मशरूम पिज्ज़ा बहुत ही मस्त था, यम था। अब फिर आधा पौना घंटा बैठे थे, अभी बज रहे हैं चार बज रहे, तो अब हमारा प्लान ऐसा है कि बाघा बीच जाएंगे, वहाँ पहुँचते में आधा घंटा आ जाएगा, यहाँ से 6-7 kilometers दूर है, तो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ आराम से बैठेंगे, देखते हैं कि वहाँ नाइट में बैठे कि फिर कोई और बीच पे दे बैठे, अभी वो कुछ फाइनल नहीं है, बट अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बाघा है, और कल सुबह वापस हम लोग अंजुना आ रहे हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने के लिए। फिर दोपहर में ऐसा सोचा है कि बाघा तो और जाएंगे बीच पे, और वहाँ पे जो दिल चाहता वाला फोर्ट है वो भी दोपहर में कवर करेंगे, सो कल का इतना ही आइटनरी है, और देखते हैं क्योंकि सारी जगह बीचेस ही है, तो हमें 3-4 बीचेस सिलेक्ट किए हैं जो हम नॉर्थ गोवा में कवर करेंगे। सब सेम ही लगता है। आई थिंक वी आर नॉट बीच पीपल, हमें बीच पीपल भी है तो क्या हुआ, सब बीच तो सेम ही होते हैं ना। हमें आई थिंक ऐसा लग रहा है कि हमें माउंटेन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, बीच ढूंढते स्कूटी का पार्क किया, फिर चलते बाघा बीच। अंजुना से फाइनली हम लोग पहुंच गए बाघा बीच,
एकदम बागा बीच का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, वहाँ पे लिखा हुआ है बागा बीच और प्रूफ। और अंजुना से आई थिंक 10 गुना ज़्यादा भीड़ है। हाँ, काफ़ी क्राउडेड एरिया, मतलब बहुत ही पॉपुलर है ना एक्चुअली। बहुत ही पॉपुलर, इसीलिए बहुत ही क्राउडेड। जैसे दीक्षा ने बोला अंजुना पे बुक कराना, इसलिए इसकी जो फ्रेंड है उसने बोला अंजुना पे आप बुक करवाना, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम क्राउड मिलेगा तो मज़ा आएगा। बीच का मज़ा उठा सकते हो, यहाँ बस थोड़ी देर घूम के फिर देखते क्या करते आगे। क्या को नया शौक जागा है? कौन सा? ब्रीडिंग करवाना, ब्रीडिंग नहीं ब्रीडिंग करवाने का। ब्रीडिंग तो कुत्ते को गर्मी लग गई तुझे? अरे गर्मी बहुत है भैया, नहीं आऊंगी मार्च में कभी भी। थोड़ा धीरे से बांधना कर दीदी, अभी थोड़ा गया है, दोपहर में आती थी तो क्या। अरे तो बहन में अंजुना गए थे, वहाँ चक्कर आ गए, फिर हम गए नहीं। अच्छा लग रहा है? पता नहीं, तू बता साइड से। हाँ अच्छा तो लग रहा है, इतना खराब तो नहीं लग रहा है। अच्छा है मतलब अच्छा है। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट था? नहीं अच्छा 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 लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। 300 रुपये में 3 बाल पे किया है, अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा क्या बार्गेनिंग करके पैसे खाने गरीब हो, खैर मुझसे बोलती नहीं है बार्गेनिंग यहाँ पर से, तो क्योंकि हम भी तो गरीब हैं। नहीं मैं मेरे से बार्गेनिंग लिटरली बार्गेनिंग नहीं होती, और वो मुझे पकड़ लेते हैं बार्गेनिंग में नकली एक्टिंग करते हुए। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसे 100 रुपीज़ पर आवर के चार्ज पे आपको ये मिलेगा बैठने के लिए, तो अब यहाँ पे आ रहे हो तो बैठ सकते हो 100 रुपीज़ पर आवर। पहले ना हम लोग यहाँ पे बैठे थे, अब यहाँ पे पूरा पानी पानी हो चुका है क्योंकि हाई टाइड अभी आ रही है, तो ये पानी ना पहले यहाँ था, अब यहाँ तक आ रहा है और बोल रहे हैं कि पूरा वहाँ तक, ये एज यू कैन सी वहाँ तक पानी जा रहा है। और अभी सनसेट हो रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारा बस 5-10 मिनट का टाइम बचा है 1 आवर में, उसके बाद हम एक चक्कर लगाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग थक गए तो फिर चले जाएंगे घर पे, अंजलि की जैसी इच्छा है। अंजलि क्या प्लान है? हाँ क्या प्लान है आज? आज मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं सिर्फ खाना खाऊंगी और फिर घर चल जाऊँगी। तो आज का मोस्ट प्रोबेबली इतना रहेगा, अभी आपको एक चक्कर लगा के दिखाते हैं कैसा है बागा बीच पूरा यहाँ पे। और वाइब बहुत अच्छी है, अंजुना बीच से तो ज़्यादा अच्छी वाइब है क्योंकि अभी हवा अच्छी चल रही है और बहुत ज़्यादा बीच से अच्छी वाइब्स नहीं है, शाम हो गई ना वाइब अच्छी लगेगी अब। और यहाँ पे फुल नाइट पार्टी होती है, अभी मेरे पीछे जो गाने चल रहे हैं वो गाने चलते रहते हैं। आप यहाँ पे डीटोस भी यहाँ पे ही है, आपको पता ही होगा गोवा के बारे में तो पता ही होगा, और गाने चल रहे हैं ऐसे ही पूरी रात पार्टी होती है, तो आप यहाँ पे पूरी रात पार्टी करना चाहते हो जा सकते हो। ड्रिंक्स है, हुक्का है, सब है यहाँ पे, तो आपकी मर्जी है जो करना चाहते हो। गई अपनी तारीफ हो गई, देखते हैं कि खाना खाने निकलेंगे शाम को तो बागा बीच एक बार वापस चक्कर लगाएंगे नाइट, क्योंकि नाइट लाइफ देखने का प्लान है। अगर ज़्यादा नहीं थकान होगी तो आज रात को भी बागा बीच जाएंगे, नाइट लाइफ देखेंगे। अदरवाइज़ कहाँ हमने खाना खाया वो आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा, कैसा होता है वो सब आपको मिलेगा। तो मिलता है आपको शाम को। और कुछ कह रहा है? वेट ड्राइव ज़रूर लेके आइएगा। 6.5 hours later. करण हम कहाँ हैं? हम एंग्री सरदार में। एंग्री सरदार? एंग्री सरदार है, एंग्री सरदार में आए हैं डिनर करने के लिए। तो मुझे लगता है फैन की बहुत आवाज़ आ रही है, उसमें आवाज़ आ रही है जी मेरी, तो आपको थोड़ी देर बाद मिलकर बताते हो कि कैसा आ रहा है फूड। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए रूम पे, इट्स 10:30। थोड़ा हम खाने गए थे, क्या था रेस्टोरेंट का नाम? एंग्री सरदार, एंग्री सरदार ऐसा कुछ नाम था।
बहुत ही अमेजिंग फूड था। बस वहाँ पे छाछ मत पीना क्योंकि छाछ बहुत ज़्यादा महंगी थी और इतनी अच्छी नहीं थी। तो फूड बहुत अच्छा था। तो अगर आप सगा मंजूरा के आसपास के एरिया में, देन प्लीज़ चेक आउट दैट रेस्टोरेंट। बहुत ही अमेजिंग फूड है, रिजनेबल रेट्स है, इतने महंगे भी नहीं है। और बस अभी हम लोग आए हैं अपनी होटल पे, अब यहाँ पे सो जाएंगे। उसके बाद कल सुबह का प्लान ऐसा है कि हमें जाना है वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए अंजुना बीच पे वापस, और फिर वहाँ पे फ्ली मार्केट अंजुना बीच पे, तो फ्ली मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और शाम को फिर एक दो प्लेसेस और कवर करनी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट गोवा का व्लॉग लाए हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।